अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी तंदूरी चाप की रेसिपी शेयर करेंगे। आप देख ही रहे होंगे, ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चाप बनाने के लिए आप देख सकते हैं, हमने सोया चाप ली है आधा किलो। इसे हमें बॉईल करना है। तो गैस पर हमने कुकर में थोड़ा सा पानी लिया है, बस हमें इसे हल्का सा बॉईल करना है, यानी कि एक सीटी आने तक हम इसे बॉईल करेंगे ताकि ये अंदर से एकदम सॉफ्ट हो जाए। अब इसकी मैरिनेशन के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं, आप देख सकते हैं। हरा धनिया लिया है, हरा धनिया आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च ली है, ये 6-7 ली हैं। एक बड़ा साइज़ का अदरक का टुकड़ा लिया है और 10-12 लहसुन की कलियाँ ली हैं। इसका एक फाइन सा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब एक बॉल में हमने दही ले ली है, थोड़ी ये थिक दही ली है क्योंकि हमें इसका मैरिनेशन करना है, तो उसके लिए हमने थोड़ी सी गाढ़ी दही लेनी है। अब जो मसाला हमने तैयार किया है वो इसमें डालकर हमें मिक्स कर लेना है और फिर कुछ पाउडर मसाले इसमें ऐड करेंगे। ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त ये सोया चाप बनकर तैयार होती है, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए कुछ मसाले भी इसमें डालते हैं। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है हमने 1.5 टीस्पून। इसी के साथ यहाँ पर गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून। थोड़ी बिल्कुल इसमें हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून ही इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून ही ली है हमने। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, लेकिन ये सोया चाप जो है एकदम से चटपटी सी अच्छी लगती है, तो हमने थोड़ी ज़्यादा ऐड की है। हरी मिर्च भी ऐड की है और कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड की है। और ये नमक इसमें डाल लिया है। इसके बाद हमने चाट मसाला ऐड कर लेना है 1 टीस्पून। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है। बस यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून वाइट विनेगर लिया है। इसकी जगह आप लेमन जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बस डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये हमारा बहुत ही खुशबूदार सा मैरिनेशन तैयार हो चुका है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में लेंगे क्योंकि ये हमें 2 कलर की बनानी है, तो हमने हाफ हाफ कर लेना है। ये हमने थोड़ा सा रेड फूड कलर इसमें ऐड किया है क्योंकि हम इसे 2 कलर की बना रहे हैं, तो एक में हमने लाल रंग ऐड करना है और एक में हमने ग्रीन कलर ऐड करना है। बहुत ही ये जितनी खाने में अच्छी लगती है उतनी ही ये देखने में भी अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसे नॉर्मल भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 2 कलर की बनाई है। आप देख सकते हैं कितना ग्रीन कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। बस अब ये हो चुका है। अब हमने चाप को बॉईल करके छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है, जिससे मसाले जो हैं चाप के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। अब आधी चाप हमने एक तरफ डाली है और आधी एक तरफ, तो ये 2 कलर की चाप हमने बनाकर तैयार कर लेनी है। इसे मैरिनेट करके हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है, बस हम इसे 30 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। उसके बाद हम इसे तंदूर पर लगाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली नई वीडियोस होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बस ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसे हम 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। तो 30 मिनट्स हो चुके हैं, ये अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। मसाला इन पर बहुत अच्छे से लग चुका है। बहुत ही सॉफ्ट हमारी चाप ये बनकर तैयार होंगी। अब इसे हम ये इस तरह से हमने ये आयरन स्टिक्स ले ली हैं, बहुत ही आराम से हमें इस पर लगाना है।
बस इस तरह से हमें बहुत ही आराम से धीरे धीरे से हम ये लगाएंगे, क्योंकि चाप जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सारी सिलाइयों पर हमें इसी तरह से लगा लेनी है। आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत ये लग रहा है और मज़े की इतनी बनती हैं। तो आप लोग इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पर हमारा साथ देने के लिए आप सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमने सारी सिलाइयों पर इस तरह से ये चाप लगा ली है। अब ये हमने शिमला मिर्च और प्याज ली है जो जिससे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो ये जो मैरिनेशन बचा है इसमें हम ये अच्छे से कोट करके ये भी सिलाइयों पर लगाकर साथ में ही इसे अंगीठी पर लगाएंगे। इस मैरिनेशन में प्याज और शिमला मिर्च बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो इस तरह से करके ये भी हम इस पर लगाएंगे। एक साइड हमारी अंगीठी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस इस तरह से हम सब लगाएंगे और बस इनको हम तंदूर पर लगाएंगे और हमारी मज़ेदार चाप तैयार हो जाएगी। देखिए अंगीठी हमारी बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब वन बाय वन हम ये चाप सब इस पर लगा देंगे और इसे बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत कलर आने तक रोस्ट करेंगे। बहुत ही आराम से इस तरह से धीरे धीरे से हम ये सब लगाते जाएंगे और इस तरह से बिल्कुल इस पे एक खूबसूरत सा कलर भी आएगा और खुशबू ज़बरदस्त आएगी। बहुत ही स्मोकी फ्लेवर में चाप बनकर तैयार होंगी। ऊपर से इस पे हम थोड़ा सा देसी घी भी लगाते जाएंगे ताकि इसमें बहुत ही शानदार खुशबू आ जाए। तो देखिए इस तरह से चारों तरफ से हम पलटते रहेंगे और चारों तरफ से अच्छा सा कलर आने देंगे। अब ऊपर से ये हमने इस पर देसी घी लगा लेना है ताकि इसमें मॉइस्ट भी रहे और खुशबू भी आए। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त चाप बनकर तैयार है। आएंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।